हेलो एवरीवन हाय दिस इज मिताली वेलकम बैक टू ई विद्यार्थी डॉट इन नाव मूविंग थ्योरम नंबर 8.6 सो लेट्स सी क्या है थ्योरम में द ऑफ अ पैरेललोग्राम पाट ईच अदर सो दिस वन इज आल्सो अ इंटरेस्टिंग थ्योरम यहां पर हमें अब क्या दे दिया अगेन वी हैव अ पैरेललोग्राम कोई भी हमारे पास एक पैरेललोग्राम है उसको हम लेबल कर देते हैं सबसे पहले ए बी सी डी से मैंने लेबल कर दिया ठीक है सो so, इसके जो डायग्नल होने वाले हैं डायग्नल कौन से हो गए चलो एक बार इसके डायग्नल भी बना लेते हैं एक हमारा डायग्नल हो गया एसी देन वी हैव अनदर डायग्नल बी डी ठीक है सो ए सी एंड बी डी आर दी टू डायग्नल ऑफ दैरलोग्राम ए बी सी डी ठीक है अब यहां पर यहां पर हमें क्वेश्चन में यहां पे हमारे थ्योरम में हमें क्या गिवन है दैट द डायग्नल विल ईच अदर बाइसेक्ट होने का क्या मतलब है बाइसेकट होने का मतलब यह है कि कोई भी इसका एक मिड पॉइंट जरूर होगा जिसकी वजह से आपका जो ये हिस्सा है अगर मैं ए से ओ की लेंथ को नापूं और इसी तरीके से ओ और सी की लेंथ को नापू तो वो दोनों इक्वल होने वाले हैं मतलब कि अगर हमारे डायग्न जहां पर भी इंटरसेक्ट करते हैं सो वी कॉल द पॉइंट एज ओ हमने उस पॉइंट को ओ लेबल कर दिया और ये हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया So, ये इंटरसेक्शन पॉइंट जो है इट विल सर्व एज मिड पॉइंट फॉर बोथ ठीक है सो मिड पॉइंट बिहेव करने का मतलब है कि हमारे पूरे डायगनल को उसने दो इक्वल पार्ट में बांट दिया ठीक है सो हम ये बोल सकते हैं दैट ओ एज इक्वल टू ओ सी सिमिलरली दूसरे डायगनल के लिए भी बिल्कुल पॉसिबल है तो हम क्या यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमारा जो BO पार्ट है वो ओडी के इक्वल है लेंथ में फाइन सो दोनों हमारे हिस्से अगर हम देखेंगे अपने डायगनल के तो दे आर गोइंग टू बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स एंड देर डिवाइडेड बाय अ मिड पॉइंट बाय एन इंटरसेक्शन पॉइंट लेबल्ड एज ओ ठीक है सो आपको क्वेश्चन में कहीं पे भी आ सकता है कि आपको ये दिखाना है कि ओ इज अ मिड पॉइंट प्रूफ करना है सो आपको क्या दिखाना होगा कि आपका ये छोटे छोटे पार्ट है एओ जो है ओसी के इक्वल होना चाहिए सिमिलरली बीओ जो है के इक्वल ठीक है इसका कन्वर्स पार्ट में भी इसका थ्योरम आ सकता है इसका एप्लीकेशन आ सकता है सो नाउ लेट्स मूव टू अर नेक्स्ट पार्ट हेलो एवरी वन नाव लेट्स मूव ऑन टू दी कन्वर्स पार्ट ऑफ प्रीवियस थ्योरम सो वी आर ऑन थ्योरम नंबर एट पॉइंट सेवन लेट्स क्या है हमारे थ्योरम में

डायगनल्स विल बाइसेक्ट अदर एवरी टाइम ठीक है सो यहाँ पर उसका कन्वर्स किस तरीके से हुआ फॉर सपोज वी हैव अ क्वारिलेटरल हमारे पास कोई भी एक क्वारेटरल है हमने फोर साइड का एक फिगर बना दिया ठीक है नाउ इफ द डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर अब हम क्या करते हैं अपने डाइगनल्स बनाते हैं और हमें यहाँ पर ये गिवन है कि जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ठीक है दोनों हमारे डायगनल्स ने इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट ओ एंड ईच अदर सो एंडसेक् से हम क्या बोल सकते हैं कि एक्चुअल में हमें गिवन है दैट ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ बोथ दी डाइगनल्स और वी कैन से या तो हम ये बोल देते हैं कि ए हमारा मिड पॉइंट है मिड पॉइंट है डायग्नल uh, का दैट मींस कि वो दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगा या फिर हमें ये बताया गया है कि ए इज इक्वल्स टू ओ सी एंड हम क्या कह सकते हैं बी ओ इज इक्वल्स टू ओ डी इफ एनी ऑफ दीज टू इज पॉसिबल अगर कोई भी चीज पॉसिबल है इन दोनों में से कोई भी स्टेटमेंट हम बोल सकते हैं तो हम ये भी प्रूव कर सकते हैं यूजिंग दिस पार्ट दैट द्वारल इज अ पैरलोग्राम ठीक है सो इस तरीके से ही आपको क्वेश्चन आएंगे इसका जो भी एप्लीकेशन पार्ट होगा क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा वो क्या पता चलेगा उसमें कि किस तरीके से अगर हमारे पास कोई भी क्वारिलेट्रल है और हमें पता है कि ये इसका जो मिड पॉइंट है इसके डायग्नल का जो मिड पॉइंट है इट इज बाइसेक्टिंग द डायग्नल इन टू two equal parts then we can say that the quadrilateral we have is a parallelogram ठीक है आई होप यू अप अंडरस्टुड जो इसका मेन पार्ट था और किस तरीके से हमने इसको कन्वर्स बनाया आपको दोनों समझ आए हो कोई भी आपको क्वेरी है कोई भी आपको डाउट है सो so आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं प्लस यू कैन ऑल्सो व्यू आर आप और हमारी वेबसाइट पे जाके आप इसके बहुत सारे क्लास नोट्स हैं अलग अलग इसके क्वेश्चन हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन हैं आप वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो ऑल्सो यू हैव दमसी क्यू टेस्ट तो अगर आप जब भी इन थ्योरम्स को पढ़ोगे आप इसके एक्सरसाइजेस करोगे सो अपने आप को चेक करने के लिए आप एमसी एमसीक्यू टेस्ट को भी ले सकते हो ठीक है सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू अर नेक्स्ट थियोरम अपट देन कीप लर्निंग कीप प्लानिंग बाय